बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस एंड वी हैव द टॉपिक ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, यानी कि नफ्सियात का तारीखी पस मंज़र। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इब्तदाई दौर से, यानी कि प्रिमिटिव पीरियड। ये दौर 300 कबल मसीह से पहले का दौर है और इस दौर में उलूम व फ़नून ने कोई ख़ास तरक्की नहीं की, इसीलिए इस दौर में आपको नफ्सियात के हवाले से कोई काम देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा दौर है ग्रीक पीरियड, यानी कि यूनानी दौर। यूनान असल में उस दौर में जब मिस्र, ईरान, रोम, ये सब जो है वो ग्रीक पीरियड के अंदर इन्होंने बहुत फ्लोरिश किया और इस दौर में बड़े बड़े फिलासफर्स पैदा हुए, जिनमें डेमोक्रेटस, थेल्स, एरिस्टोटल, अफलातून यानी कि प्लेटो वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। इस दौर में अरस्तू ने नफ्सियात के ऊपर कमोबेश 500 किताबें और मकाले लिखे थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा थेल्स यानी कि तालीस को पहला माहिर नफ्सियात माना जाता है और इसने नफ्सियात के ऊपर किताबें लिखी। उसके बाद आता है मिडिल एजेस। मिडिल एजेस यानी कि कुरूने वस्ता। कुरूने वस्ता यूरोप में 3री सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी तक फैला हुआ दौर है और इस दौर में उलूम व फ़नून के अंदर तरक्की रुक गई। जितना काम ग्रीक पीरियड में हुआ वो वहीं रुक गया और उसके बाद जब तक इस्लामिक पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ उलूम व फ़नून में तरक्की रुक कर रह गई, बल्कि यूरोप के अंदर कलीसा के नज़रियात को लोगों ने साइंस और फ़लसफ़े से कंट्रोल करने की कोशिश की और उसको मज़हब का रंग दिया, जिसकी वजह से तजर्बा और तहकीक बिल्कुल रुक कर रह गई। फिर बात करेंगे इस्लामिक पीरियड की। इस्लामिक पीरियड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ आवरी के साथ शुरू हुआ। 571 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और दुनिया से गुमराही के बादल छटे, यानी कि इस दौर में कुरान पाक की तालीमात और अहादीस की रोशनी में इंसानों को एक मुकम्मल फ़लसफ़ा हयात मिला। इस्लाम के अंदर बीमार से ईमानदारी, हुस्ने सलूक और उसके लिए दुआ का जो कॉन्सेप्ट है, नफ्सियात की जो बेस है वो इन्हीं चीज़ों पर रखी गई। फिर बात करेंगे हम रेनेसां की, यानी कि तहरीक अहयाए उलूम। असल में 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में जो एक तजर्बे और तहकीक का सिलसिला रुक गया था वो दोबारा से शुरू हुआ, यानी कि 13वीं सदी ईस्वी और 14वीं सदी ईस्वी में इजादात का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये वो दौर जहालत था कि जब गलीलियो ने दूरबीन बनाई तो लोगों ने उसमें देखने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये कोई शैतानी इल्म है और इसको इसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए और ना इसकी बात सुननी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये असल में जहालत की वजह से था। इसके अलावा रेनेसां में यानी कि तहरीके अहयाए उलूम, यानी कि जो उलूम को एक नई ज़िंदगी मिली थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा काम फ़लसफ़े और साइंस में किया, जिसकी वजह से दुनिया को एक रेवोल्यूशन मिला। फिर बात करेंगे हम मॉडर्न पीरियड की। मॉडर्न पीरियड 18वीं सदी या 19वीं सदी से लेकर अब तक का दौर है और ये आगे भी चलेगा, कि जिसमें आप देखते हैं कि ना सिर्फ नफ्सियात बल्कि हर मज़मून में बहुत ज़्यादा काम सर अंजाम दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा तहकीक और तजर्बा किया गया है। इसी वजह से अगर हम नफ्सियात को स्टडी करें तो 1879 में जर्मनी में लाइप्ज़िग यूनिवर्सिटी में पहली तजर्बागाह नफ्सियात की कायम की गई थी, जिसके बाद बाकायदा इसको एक इल्म की हैसियत जो है वो मिल गई।
उसके बाद आता है टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वर्किंग इन इंडस्ट्री। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि इंडस्ट्री में काम करने वाले दो अहम अनासर कौन से हैं, वो है मैकेनिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस बात करता है ह्यूमन फैक्टर की, उसकी वेलबींग की। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ह्यूमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।